नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने विकास के सिद्धांत देखे थे। इस वीडियो में हम विकास के आधार और अवस्थाएं देखेंगे, जो कि सीटेट और एसटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने विकास के सिद्धांत नहीं देखे हैं तो पिछले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम अनुग्रह शर्मा, एमएससी बीएड फ्रॉम एमजेपीआरयू बरेली, को फाउंडर ऑफ शर्मा जी एजुकेशन अनकेडमी पर यह मेरा लिंक है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा, वहां आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विकास क्या है? विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। विकास का प्रभाव जो है, विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम के लिए जो मनोवैज्ञानिक डगलस और हॉलैंड ने, उन्होंने एक अपना कथन यहाँ पर दिया था। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों से या प्रजाति से प्राप्त करता है। तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम की यह डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन को यहाँ पर समझ लेंगे। तो इन्होंने कहा कि शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं, इसमें क्या रहती हैं, वंशानुक्रम में सम्मिलित रहती हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो जो बालक है या फिर जो व्यक्ति है वो अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है। तो ये जो डेफिनेशन है वंशानुक्रम की, हॉलैंड और डगलस ने यहाँ पर दी थी। ये क्वेश्चन बन जाता है सीटेट के लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर वंशानुक्रम संबंधी एक चीज यहाँ पर समझने की है कि किसी भी प्रकार की जो शारीरिक संरचना में दोष होता है या विकार होता है, उसका हस्तांतरण नहीं होता माँ बाप द्वारा बालकों में। जैसे कि अपंग माँ बाप की जो संतानें होती हैं वो जन्म से अपंग हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसे ही अंधे माँ बाप की जो संतानें हैं वो अच्छी दृष्टि वाली भी हो सकती हैं, कुरूप माँ बाप की बेटी सुंदर भी हो सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप द्वारा अर्जित जितनी भी कुशलताएं, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति आदि जितनी भी हैं वो वंशानुक्रम प्रक्रिया द्वारा बालकों में हस्तांतरित नहीं होती। मतलब अगर हम ये देखें कि संगीतकार का बेटा स्वतः ही संगीतकार हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, उसे कुछ वो चीज़ सिखानी पड़ेगी। ऐसे ही कुशल जो बढ़ई है या फिर स्वर्णकार है, उसका बेटा जन्म से ही कुशलता को लेकर पैदा हुआ होगा, तो ये भी क्या है, आवश्यक नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा, वो गुण सिखाना पड़ेगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में जो शारीरिक बनावट संबंधी चीज़ें हैं या फिर वृद्धि संबंधी चीज़ें हैं वो हस्तांतरित होती हैं, किंतु जो उसके गुण हैं, क्रियात्मक जो उसकी विशेषताएं हैं वो हस्तांतरित नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही जो वातावरण है, वातावरण द्वारा जो व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई या फिर शारीरिक बनावट पर उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण की यहाँ पर डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को स्पष्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर अपनी डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं, परिभाषाओं को। जैसे वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। ठीक है, ऐसी एनोस्टिकी के अनुसार जो है, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि बालक के विकास में प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एनोस्टिकी के अनुसार जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि वातावरण जो वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त, तो जीन्स के अतिरिक्त यहाँ पर प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि सीटेट में पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। एनोस्टिकी ने ये डेफिनेशन यहाँ पर दी थी। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो विकास की अवस्थाएं यहाँ पर सैले के अनुसार कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर बताई गई थी। तो सबसे पहले सैले ने जो इसकी अवस्थाएं बताई हैं वो यहाँ पर तीन अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था यहाँ पर शैशव काल आता है, उसके बाद यहाँ पर बाल्यकाल और उसके बाद किशोरावस्था। तो शैशव काल में यहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था बताई गई है, उसके बाद बाल्यकाल में यहाँ पर 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था, किशोरावस्था यहाँ पर जो है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को बताया गया है, उसके बाद कॉल सैनिक ने जो अपनी अवस्था बताई थी विकास संबंधी वो यहाँ पर 8 अवस्थाओं को बताया है। जैसे जन्म पूर्व, जन्म काल से पूर्व की अवस्था है यहाँ पर, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की। उसके बाद शैशव काल आता है, तो शैशव काल में यहाँ पर 3 से 4 सप्ताह तक की बात की गई थी। उसके बाद 1-2 माह से लेकर 15 माह तक की जो अवस्था है वो आरंभिक शैशव बताई गई है।
उसके बाद 15 माह से 30 माह तक की जो अवस्था है वो उत्तर सहसव, और फिर 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को यहाँ पर कौल सैनिक ने पूर्व बाल्यकाल में रखा। उसके बाद यहाँ पर 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था में को मध्य बाल्यकाल में, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को यहाँ पर उत्तर बाल्यकाल में, और फिर 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु को यहाँ पर किशोरावस्था में रखा। तो कौल सैनिक के अनुसार यहाँ पर जो 8 अवस्थाएं हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सीटेट के लिए, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अब अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विकास की यहाँ पर मात्र 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक है शैशव काल, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। तो शैशव काल यहाँ पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बताया गया है, बाल्यावस्था यहाँ पर 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था को यहाँ पर 12 से लेकर 19 वर्ष तक बताया गया है। सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर 4 अवस्थाएं मानते हैं, जैसे कि शैशव काल, शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है, ऐसी बाल्यावस्था यहाँ पर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से लेकर 18, ऐसी प्रौढ़ावस्था यहाँ पर 18 वर्ष के बाद। तो जो विकास है वो जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें मनोवैज्ञानिकों की, तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं यही जो सभी लोगों के लिए क्या है मान्य है, 4 अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये जो विकास की अवस्थाएं हैं या विकास के आधार हैं ये समझ में आ गए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है शर्मा जी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।